राधे राधे आज हम बनाएंगे कान्हा जी की ड्रेस उसके लिए चोली में आज पहले बना रही हूँ चोली का वीडियो पहले आएगा ग्यारह नंबर का ग्रोसिया लिया है मैंने गोले वाले ऊँ ज़्यादा मोटी नहीं है मीडियम है तो चलो पहले बनाते हैं चोली फिर इसी के ऊपर मैं ड्रेस का भी वीडियो बनाऊँगी तो मैंने नोट लगा लिए धागे में और मैं ट्वेंटी टू चैन बनाऊँगी इसमें और हो गए हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्रेन है अभी मैं तीन ये yes. काउंट कर सकते हैं तो मैं तीन चैन और लूँगी इसमें ये दो हो गई है, तीन अब ऐसे ही डबल क्रोशिया हमारा गिना जाएगा एक तो एक ही हमारा ऊपर से हम तीन गिन लेंगे एक दो तीन तीसरे में हम यहाँ इसको जॉइन कर देंगे तो हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया और एक डबल क्रोशिया की आइट की हमने वो तीन चैन ली हैं तो हमारा जब ये घेर पूरा होगा हमारे पास इसमें टोटल तेईस डबल क्रोसी होंगे ऐसे ही पूरे को कंप्लीट कर लेंगे एंड में पहुँचेंगे देखो तो कोई कंप्लीट हो गया है ये रो पूरी अब हम एंड में आ गए हैं मेरी दो चैन बची हैं बस आप काउंट भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ठीक है अब हम अपने वापस आएंगे वन टू थ्री वापस से थ्री की चैन ली हमने और जी जहाँ से चैन उठाई है इसी में नीचे दूसरी बार भी इसी में बना देंगे अब हम हर चैन में बनाएंगे दो बार क्योंकि फंदे बढ़ाने हैं तो हमारे पास अभी तेईस हैं तेईस चैन हैं तेईस चैन में हर चैन में दो बार बनाएंगे तो अब की बार हमारे पास टोटल चैन हो जाएंगी फोर्टी सिक्स छालीस तो सब में बनाते हुए वर्क एंड तक आ जाएंगे देखो मैं वर्क एंड में पहुंच गई हूँ दो चैन बची हैं अब इसमें हम भी यहाँ पे थोड़ा टाइट हो रखा है ये इसमें हम दो बार बना देंगे और ये जो हमारा तीन की चैन थी ये इसमें भी हम दो बार बना देंगे तो अभी मेरे पास ये टोटल हो गए हैं फोर्टी सिक्स बंदे एक दो तीन वर्क को पलट लेंगे अपने अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे तो एक की तो चैन हो गई है एक और नेक्स्ट चैन में हम एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे जो थर्ड चैन है हमारी उसमें हम दो बार बनाएंगे थर्ड चैन में दो बार बनाएंगे फिर दो बार सिंगल क्रोशिया करेंगे दो चैन में तो इस राउंड का सीक्वेंस ये होगा कि दो चैन में सिंगल सिंगल और तीसरी चैन में डबल इसमें हमने दो बार बना दिया देखो वन टू इसमें दो बार वन टू इसमें दो बार ऐसे ही बनाते हुए हम इसमें अपने वर्क के एंड तक आ जाएंगे अब मैं वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ देखो घेरा बनना स्टार्ट हो गया है गोल यहाँ से हमने शुरू करा था दो थे बाद में देखो यहाँ दो बनाए अब मेरे दो ही बचे हैं बाद में एक और ये दो ठीक है अब इनमें मैं सिंगल सिंगल बना लूँगी जैसे उधर शुरू में सिंगल बनाए थे दो ऐसे ही इधर भी सिंगल ही बनाएंगे ठीक है ये बन गए हैं आप चाहे तो इसे इतना ही रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा छोटा बनाना है ड्रेस लेकिन मैं थोड़े बड़े काना जी के बनाऊँगी देखो ये ऐसे घेर बन जाता है ठीक है आप यहाँ से इतनी इसमें से बाजू निकाल दीजिए अलग अलग तीन नंबर के कानाजी के लिए ऐसा बन जाएगी और नीचे से इसका घेरा स्टार्ट कर दीजिए लेकिन मुझे थोड़ा बड़े बनाने हैं काना जी के तो मैं इसलिए तीन राउंड हुए हैं इसमें एक राउंड और बनाऊँगी एक राउंड और बनाने के बाद तब मैं इसकी बाजू निकालूँगी इस तरह ठीक है तो अभी मेरे पास इसमें हुए हैं फंदे फिफ्टी एट अभी मैं यहाँ पे ये एक फंदा बढ़ाऊँगी शुरू में बस दो कर दिया ना एक ही चैन में दो बार कर दिया अब मैं हर चैन में एक एक बार करती हुई पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी हर चैन में एक बार करती हुई जाऊँगी एक बार डबल क्रोशिया यहाँ पे दो करे हैं एक दो सब में एक एक बार और सबसे लास्ट में जाके फिर दो बार करूँगी पूरी मेरा कंप्लीट हो गया है अब थोड़े बड़े हो है ब्लाउज का सेब क्योंकि मेरे खाना जी पाँच नंबर के हैं तो इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ अब मेरे पास इसमें टोटल है सिक्सटी फंदे आठ फंदे मैं रख लूँगी आगे के आगे ब्लाउज के लिए आठ फोर्टीन फंदे मैं रखूँगी बाजू के लिए ठीक है और फोर्टीन इधर की बाजू के लिए और आठ आगे के और सिक्सटीन पीछे के तो फोर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी एट हो गए अब देखो ये मैंने आठ फंदे रख लिए हैं बाजू के ये मैंने बना लिया है सिंगल क्रोशिया अब मैं फोर्टीन फंदे गिनूंगी ठीक है अब मैं फोर्टीन फंदे गिन के यहाँ तक फोर्टीन चैन और धागा लेके यहाँ ही पे जो मैंने 14 गिना है उसी में डबल क्रोशिया बना दूंगी तो ये हमारी बाजू की सेब अलग निकल जाएगी अब मैं सिक्सटीन बार डबल क्रोशिया करूँगी सिक्सटीन चैन में एक तो मेरा ये हो गया है ए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सिक्सटीन बार हो गया अब मैं फोर्टीन फिर से फोर्टीन चैन छोड़ूँगी बाजू की आप भी काउंट करके अच्छे से छोड़ें वरना तो एक बाजू छोटी एक बड़ी हो जाएगी मैंने फ़ोटीन गिन ली हैं अब मैं यहाँ पे जो फ़ोटीन नंबर है उसी में जाके डबल क्रोशिया बना दूंगी अब मेरे आगे एक तो ये हो गया और सेवन और बचे हैं तो आगे भी एट हो जाएंगे एट दूसरी साइड है अब देखो ऐसा सेप बन के आया है अब मैं इसके नीचे यहाँ से भी आप घेरा स्टार्ट करना चाहते हैं कर लो नहीं तो एक दो राउंड और बना लो थोड़ी बड़ी सी हो जाएगी कोटी तो मैं इसके दो राउंड बनाऊंगी थोड़ी बड़ी करने के लिए कोटी को तो अभी मैं आपको राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ देखो मैंने इसके दो राउंड बना लिए हैं एक ये और एक ये ठीक है तो इस ये ऐसे कुछ बन के तैयार हुई है इस तरह ठीक है तो आप इसके नीचे से अब घेर स्टार्ट कर सकते हैं अब मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। ये जो हमारी शुरू में तीन की चैन थी एक दो तीन इसका जो थर्ड वाला लूप है यहाँ पे, मैं इसको ले जा कर ऐसे इसके थर्ड वाले लूप में मैं इसको ऐसे सेल्फ स्टिच से जॉइन कर दूंगी। और एक बार और धागा करके इसको खींच के रख दूंगी। धागा मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि मुझे इसी पे ड्रेस आगे बनानी है आपको पसंद आई हो तो आप बनाए नमस्ते दोस्तों